दोस्तों आज के वीडियो में संशासित प्रदेश सहित भारत के राजधानी और उनके मुख्य भाषाएं और स्थापना वर्ष के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ पे तमिल बोला जाता है और इसकी स्थापना 1773 ईस्वी में हुआ था। दूसरे में देख सकते हैं बिहार, बिहार की राजधानी पटना और यहाँ पे हिंदी बोला जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। आगे तीसरे नंबर पे देख सकते हैं उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ पे उड़िया बोला जाता है और उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। सीरियल वाइज में बनाया हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से राज्य पहले मतलब यहाँ पे गठित हुए हैं। चौथे नंबर पे असम, असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ पे असमी और बंगाली बोला जाता है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को असम की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है असम की स्थापना 15 अगस्त 1947। और जम्मू कश्मीर की राजधानी ठंड में जम्मू और गर्मी में श्रीनगर है, यहाँ पे भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, लद्दाखी बोला जाता है और इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। यहाँ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ हिंदी और राजस्थानी बोला जाता है और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया था। यहाँ पे राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को किया गया था। यहाँ पे सातवें नंबर है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ, यहाँ हिंदी बोला जाता है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे देख सकते हैं आठवें नंबर पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ पे बंगाली बोला जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पे तेलुगु, उर्दू बोला जाता और ये पहला भाषाई राज था जो तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। आगे देख सकते हैं कर्नाटक, कर्नाटक राजधानी बेंगलोर, यहाँ पे कन्नड़ बोला जाता है और इसकी स्थापना 1 नवम्बर 1956 को किया गया था। कर्नाटक की स्थापना 1 नवम्बर 1956 को किया गया था, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया था। आगे देख सकते हैं केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे मलयालम बोला जाता है और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ये भी एक बार पूछा गया था। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आगे देख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की भी स्थापना किया गया था और इसकी राजधानी भोपाल है और यहाँ पे हिंदी बोला जाता है। तीन राज्यों की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था, दो बता दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ पे गुजराती बोला जाता है और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अहमदाबाद बहुत कोई बोलते हैं तो गांधीनगर है गुजरात की स्थापना। राजधानी यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर, ठंड में और गर्मी में मुंबई है और यहाँ पे मराठी बोला जाता है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था महाराष्ट्र। यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यहाँ आदमी, नागा और अंग्रेजी बोला जाता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। आगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ पे हिंदी और हरियाणवी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था हरियाणा की स्थापना। आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, यहाँ हिंदी और पंजाबी बोला जाता है और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था। पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 किया गया था, दोनों एक ही दिन किया गया था। आगे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, 18वां राजधानी, यहाँ पे शिमला और धर्मशाला है दोस्तों, इसकी यहाँ पे हिंदी और पहाड़ी भाषा बोला जाता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना किया गया था। आगे आप देख सकते हैं 219वां नंबर मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यहाँ पे खासी, जैतिया और गारो भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ पे इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था। अब आजकल ईस्वी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। यहाँ पे 20वें नंबर पे देख सकते हैं मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल और यहाँ पे मणिपुरी बोला जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, और 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना किया गया था। आगे देख सकते हैं अकिस्मी राजधानी, अकिस्मा राज, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ पे बांग्ला, त्रिपुरी और मणिपुरी बोला जाता है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ये पश्चिम बंगाल सटा हुआ है इसलिए बंगाली बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और यहाँ पे सिक्किमी और गोरखाली बोला जाता है, सिक्किम से ही पता चलता है। और यहाँ पे 16 मई
1975 की इसकी स्थापना हुआ था। अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ पे मोनपा आका और मिर्जा बोला जाता है। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट 24वें राज के बारे में बात कर सकते हैं, 24वां राज मिजोरम, इसकी राजधानी ऐजोल, यहाँ पे मिजो और कोंकणा बोला जाता है और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को किया गया था। अब 25वां राज के बारे में देख सकते हैं, गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ पे पुर्तगाली और कोंकण बोला जाता है और कोंकण रेलवे का नाम सुने होंगे तो गोवा में कोंकण रेलवे भी आता है। यहाँ पे 30 मई 1987 को इसकी स्थापना किया गया था गोवा को। यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ हिंदी और आदिवासी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्यों की स्थापना किया गया था, पहला छत्तीसगढ़ है और दूसरा अभी स्क्रीन पे आने वाला है 27 नंबर उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ पे हिंदी और पहाड़ी बोला जाता है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था। अब 28वां राज्य आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना भी 2000 ईस्वी में किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना किया गया था, इसकी राजधानी रांची है और झारखंड में हिंदी बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे 28वां राज हो गया, एक और राज्य पढ़ा है दोस्तों 29वां राज्य। तो 29वां राज्य आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, 29वां राज्य का नाम तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसकी यहाँ पे तेलुगु और उर्दू बोला जाता है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था दोस्तों। और हैदराबाद की राजधानी अमरावती बनने वाला है दोस्तों, अभी तो हैदराबाद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्थापित प्रदेश के नाम, यहाँ संस्थापित प्रदेश कौन कौन से है, तो 7 प्रदेश ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, जो संत शासित बोला जाता है या केंद्र शासित, दोनों में एक बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले नंबर पे अंडमान निकोबर, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे अंडमानी बोला जाता है। पहले नंबर अंडमान निकोबर, राजधानी पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पे अंडमानी बोला जाता है, जानना जरूरी है। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ पे हिंदी और पंजाबी बोला जाता है दोस्तों। ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है यहाँ पे और ये संस्थापित प्रदेश भी है। तीसरे नंबर में दमनद्वीप, दमनद्वीप की राजधानी दमन है, यहाँ मराठी और गुजराती बोला जाता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ है। यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह देख सकते हैं, यहाँ पे करावती इसकी राजधानी, यहाँ पे मलयालम और मलहालम बोला जाता है, जो केरल तरफ है दोस्तों। लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल तरफ है, मलयालम से पता चलता है। यहाँ पे 5वें नंबर पांडिचेरी, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है और यहाँ पे तमिल और फ्रेंच बोला जाता है, जो तमिलनाडु तरफ है दोस्तों, यहाँ पे तमिल भाषा से ही पता चलता है, पांडिचेरी तमिलनाडु तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते नंबर पे दादर नगर हवेली, तो इसकी राजधानी सिलवासा, यहाँ पे गुजराती मराठी कोंकण हिंदी बोला जाता है। ये गोवा गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है दोस्तों, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे 7वें नंबर पे दिल्ली देख सकते हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ जो एक संद है हमारा, यहाँ पे दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही हो सकता है, इसे हम लोग राज्य भी बोलते हैं और यहाँ पे हिंदी उर्दू और पंजाबी बोला जाता है। हरियाणा पंजाब सटा होने के कारण हिंदी उर्दू पंजाबी बोला जाता है और यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं हिंदी, तो लगभग 7-8 राज्यों में, लगभग 10-11 राज्यों में हिंदी बोला जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।